अरे ये कौन है, कोई बंदर है या टार्जन? जायंट गिलहरी है, कोई एलियन? नहीं नहीं, ये तो मोगली भी नहीं है, ना ही ये किसी स्पाइडरमैन की फैमिली से लगता है। अरे भाई ये है कौन? मेरा नाम ज्योति राज है, लोग बुलाते हैं मुझे मंकी किंग, बंदर राजू बोलते हैं, कन्नड़ में कोती राज बोलते हैं, मैं प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ। 29 साल के ज्योति राज ऊंचे पत्थरों, पहाड़ों और सीधे दीवारों पर ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे कोई बंदर चढ़ते हैं। अलग अलग सरफेसेस पर पैरों की हेल्प से उल्टा लटकना, और तो और ज्योति 360 डिग्री रोटेशन भी करते हैं, और इनका बेस्ट मूव है उल्टा लटक के बॉडी से 90 डिग्री एंगल बनाना। गाइस, ये इंडियन डेयर डेविल किसी हॉलीवुड एक्शन हीरो से कम नहीं है। और ज्योति को अपने इस टैलेंट के बारे में उस वक्त पता चला जब उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। सुनिए क्या हुआ था उस दिन। ऐसे देखा ऊपर एक बड़ा पत्थर था, वो पत्थर से ऊपर से नीचे कूद के मर जाऊं, ये पत्थर है ना, ऐसे पत्थर था, उसको घूम घूम के देखा, ऊपर जाना रास्ता नहीं था, वो स्ट्रेट है एकदम। तब वहां देखा एक ऐसे एक बंदर आके वहां से चढ़ के चल गया। मैं तब मड्डी लेके हाथ में ऐसे ऐसे पोंछ के, वो बंदर चढ़ा था ना वैसे ही जगह में मैं भी चढ़ गया था। ऊपर चढ़ के हाथ पूरे पंप होके दर्द हो रहा था, ऐसे ऐसे चोंच के घूम के देखा गिरने के लिए, लोग पब्लिक फुल पब्लिक, मैं चढ़ने के बाद चाली बजाते है, सीटी बजाते है, फुल एंकरेज, वहां पर बंदर भी आता ना, मंकी मैन ऐसे ऐसे साउंड। प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हेलमेट्स, रोप्स, हार्नेस, हुक्स जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करते हैं, पर ज्योति राज के लिए ये सब चीजें किसी काम की नहीं, उन्हें भरोसा है अपने हाथों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप पर। और सबसे बड़ी ओएमजी वाली बात यह है कि ज्योति राज सभी स्टंट्स बिना किसी सेफ्टी गियर के करते हैं, और यही बात इन्हें बनाती है वर्ल्ड फेमस। इनके डेयरिंग स्टंट्स देखकर पब्लिक की सांसें थम जाती हैं और किसी की सीटी बज जाती है। ज्योति की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, जी हाँ, 130 फीट ऊंचा कर्नाटका का जोग फॉल भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट यानी बिना हार्नेस और रोप्स के क्लाइम किया है। ओएमजी भाई, ये बात तो सच में चौंकाने वाली है। माना बंदर हमारे पूर्वज थे, लेकिन ये बंदा तो बंदरों को भी बीट कर सकता है। देखिए, बंदरों के लिए ऐसी हाइट चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनके पैर भी हाथों की तरह होते हैं जिसमें उन्हें पकड़ने के लिए अच्छी ग्रिप मिलती है, पर ह्यूमन फुट चलने के लिए इवॉल्व हुए हैं, इसीलिए क्लाइंबिंग बहुत मुश्किल होती है। फिर भी ज्योति मक्खन की तरह क्लाइंब करते हैं, और उनकी यही क्वालिटी उन्हें सुपर ह्यूमन कैटेगरी में रखती है बॉस। लेकिन गाइज, एक जरूरी सूचना, आप हमारे फियरलेस मंकी किंग से इंस्पायर होके वॉल क्लाइंबिंग शुरू मत कर देना, क्योंकि खुद ज्योति को भी बहुत चोटें लगी हैं। आइए इन्हीं से सुन लेते हैं। 24 नवंबर ऑलरेडी टूट चुका है, 4 राड है बॉडी में, बट इतना बार टूटा मत, मेरा भी मेरा दिल नहीं टूटने दिया। मैं हमारे ज्योति इतनी हड्डियां टूटने और रॉड से दोस्ती के बावजूद शांत बैठने वालों में से नहीं है। ज्योति ऊंची बिल्डिंग्स भी क्लाइंब करना चाहते हैं, और उनका 2722 फीट ऊंचा लाइफ टाइम ड्रीम है, जरा वो तो सुनिए। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम, बुर्ज खलीफा कभी एक बार तभी चढ़ना है मुझे। 29 साल के ज्योति का कहना है कि दुनिया बंदर से इंसान बनी है, पर मेरा प्रोसेस उल्टा है, मैं इंसान से बंदर बन रहा हूँ। डूड, सिर्फ बंदर नहीं, तुम तो मंकी किंग बन गए, और ऐसे मंकी किंग जो दुनिया की क्लाइंबिंग हिस्ट्री बदल रहा है।